हेलो एंड वेलकम टू फिल्मी बीट। दोस्तों मायरा शर्मा पर लगे कई सारे इल्जाम, लेकिन सबसे बड़ा इल्जाम उन पर लगा फेक अवार्ड का। और वो अवार्ड उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लॉन्ट किया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो आ गई ऐसे लपेटे में जिससे निकल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। वेल दोस्तों बताएंगे क्या पूरा माजरा हुआ था और अब क्या हो रहा है, लेकिन सबसे पहले आपको करना होगा फिल्मी बीट को सब्सक्राइब और दबाना होगा घंटे का बटन ताकि आपको मिल सके सारी नोटिफिकेशन। तो दोस्तों मायरा शर्मा बिग बॉस के घर में थी और उन्होंने बहुत फेम पाया, जिसके बाद उन्होंने अपने आप को मोस्ट फैशनेबल कंटेस्टेंट ऑफ द बिग बॉस 13 का टैग भी खुद को दे दिया। जी हम ये नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड कमेटी। जी हाँ, वो अभी कुछ दिनों पहले ही मुंबई में हुए दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड में पहुंची थी, जहां पर बिग बॉस के सभी कंटेस्टेंट्स को बुलाया गया था। और वहां से बाहर निकलते ही मायरा शर्मा ने दादा साहब फाल्के अवार्ड का एक इंस्टाग्राम पोस्ट भी डाला था और उन्होंने कहा था कि मुझे मिला है द मोस्ट फैशनेबल कंटेस्टेंट ऑफ बिग बॉस 13 सीजन का अवार्ड। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ये बात दादा साहब फाल्के अवार्ड की टीम ने बताई। कमेटी ने एक पूरा लेटर जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि ये हमारी तरफ से नहीं दिया गया है और इस पर मायरा शर्मा को 48 घंटे के अंदर अपॉलोजी लिखनी होगी। लेकिन मायरा शर्मा ने अपॉलोजी लिखने से रिफ्यूज कर दिया और उसके अवज में उन्होंने कहा कि मुझे ये अवार्ड मिला है थर्ड पार्टी के थ्रू, जो कि ऑफ स्टेज दिया गया है, ऑन स्टेज नहीं, स्टेज के पीछे से मुझे ये अवार्ड मिला है और ये सारी गलती थर्ड पार्टी की है, मेरी कोई गलती नहीं है। और हाँ, मुझे इसमें अपनी गलती यहाँ नजर आती है जहाँ पर मुझे इस चीज़ को एक्नॉलेज करवाना चाहिए था पहले कमेटी को और उसके बाद इसको सोशलाइज करना चाहिए था। ये कितना लंबा चौड़ा सा एक्सप्लेनेशन उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाला है, जिसके बाद से थोड़ी सी खलबली मच गई है और अब क्वेश्चन ये उठ रहा है क्या वाकई में उन्हें ये थर्ड पार्टी ने दिया था या फिर ये फेक है। फिलहाल अभी इस पर भी क्वेश्चन उठ रहे हैं। आपको वीडियो कैसी लगी है आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।